तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो टाइटल थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम इस गोल्डन कलर के मोबाइल को जो है कलर कर इसको ब्लैक करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल ही स्किप ना करें, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है इसका जो सिम कार्ड का स्लॉट है इसको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से, और इसके बाद में हम इसका जो बैक साइड का जो ये पैनल है इसको हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे को नाखून है, इसलिए मैं नाखून का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो इससे छोटा सा स्क्रू ड्राइवर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में हम यहाँ से जो है फिंगर लॉक सेंसर का वायर निकाल लेंगे। और इसके बाद में देखिए दोस्तों, हम कैमरा को इस तरीके से टेप से कवर कर लेंगे, और उसके बाद जो है इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और इसके बाद में हम इसको देखिए दोस्तों, इस तरीके से ब्लैक पेंट से इसको स्प्रे कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें इसको ब्लैक कलर का पेंट इसको स्प्रे कर रहे हैं। तो सारे साइड से हम इसको अच्छी तरीके से पेंट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, अभी इसको जो है पेंट कवर हो चुका है, तो अभी हम इसको सूखने के लिए थोड़ी देर रख लेते हैं, और इसके बाद में हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सूखने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, काफ़ी शाइनिंग हो चुका है। बस इस तरीके से जो है ऊपर वाले साइड के ऊपर हमने स्प्रे करते वक्त जो है इसको थोड़ा सा नज़दीक पकड़ा था, इसलिए जो है यहाँ से जो है थोड़ा सा ऊपर वाला साइड जो है अच्छा नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको यहाँ से जो है जो हमारा कैमरा वाला साइड है वहाँ से हम इसको टेप निकाल लेंगे, और इसको जो है वापस से अच्छी तरीके से जैसे हमने निकाला था उस तरीके से इसको फिक्स कर लेंगे। और देखेंगे, ये देखिए दोस्तों, अभी हम इसको वापस से सिम स्लॉट भी अंदर डाल देंगे। और एक बार मैं आपको इसका फिंगर लॉक चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पेंट करने के बाद भी जो फिंगर लॉक सेंसर है वो वर्क कर रहा है, यानी कि अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। सिर्फ ऊपर वाला साइड जो है दोस्तों कलर मारते हो तो आप याद रखिए थोड़ा सा स्प्रे दूर रख कर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।